YouTube के तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं। आज का टॉपिक हमारा है जादुई ज़बान। कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जो ना पैसा खर्च करते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन उनकी ज़बान में इतना असर होता है कि वो जो चाहें आपसे काम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे लोग ने रक्षा अगर रोकते हैं तो रक्षा वाले को कहते हैं कि भाई यहाँ तक जाना है। थोड़ी दूर जाके वो कहते हैं यार सॉरी भाई, मुझे जाना कहीं और था और फ़ोन आ गया, मैं यहाँ उतर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह करके रक्शे से उतर जाते हैं। यानी 8 या 10 फलांग के फासले पर उनको जाना है तो इस तरह की बात करते हैं कि रक्शे वाला समझता है कोई बड़ी सवारी है और बड़ी लॉन्ग जगह का बताएंगे उसको। मिसाल के तौर पर सदर पर खड़े हैं तो उसको लांडी कुरंगी का बताएँगे कि लांडी जाना है या कुरंगी जाना है, लेकिन वो 4 या 5 या 10 कदम या 20 कदम के फासले पर जाके अचानक से अपने मोबाइल की जो ना घंटी बजाएंगे, बेल बजाएंगे और फ़ोन सुनेंगे, बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो रक्शे वाले को बोलेंगे भाई यहीं रोक दो यार, तुम्हारी मेहरबानी, बहुत बहुत यार मेरी गाड़ी आ गई ना। इस तरह की बात करके जानी उसने अपना सफ़र तय कर लिया। और इसी तरह के जानी ये भी कर सकते हैं कि किसी होटल में जा कर बैठे और खाना खा लिया और साथ कोई बंदा बैठा है तो उसके साथ दुआ सलाम कर ली, अच्छे ताल्लुकात ज़ाहिर किए कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, या कोई भी अपनी ऐसी बात की। और उस जब पैसे वो देने लगा तो बोला नहीं 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 आप मत दें, मैं दे रहा हूँ पैसे, पैसे आप मत दीजिएगा। तो वो शख्स मुतासर होकर इनके पैसे भी दे देता है कि यार सब्र, मैं पैसे मैं दे देता हूँ, तो वो शख्स पैसे कटवा देता है। यानी इस तरह की ज़बान होती, इनकी ज़बान में जादू का असर होता है। जो बात आपसे कहेंगे वो बात आपसे मनवा भी लेंगे, जो बात भी होगी वो आपसे मनवा लेंगे। आप कहीं बैठे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं तो खाम खा के आपसे दुआ सलाम करेंगे और ऐसे ज़ाहिर करेंगे कि जैसे आपको पता नहीं सदियों से जानते हैं। और ऐसे लोग अगर कारखानेदार हों या फैक्ट्रीदार हों या फैक्ट्रियों के मालिक हों तो मज़दूरों से भी इस तरह से काम ले लेते हैं। एक मज़दूर जो काम थोड़ा काम चोर होता है उसको कहते हैं तुम्हारे लिए तो यार मैंने बड़ा एक अहदा देखा होगा, तुम्हें उस पर लाएँगे, तुम बड़े मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो तुम, मैंने तो आज देखा कि तुम किस तरह मेहनत करते हो और किस तरह काम करते हो। तो जो काम कम कर रहा होता है वो भी काम ज़्यादा करना शुरू कर देता है कि भाई मेरे से तो बड़ा खुश है ये, हालांकि वो सिर्फ ज़बान का इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। ऐसे बहुत से लोगों से आपका वास्ता पड़ा होगा या आपके अजीज़ों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी इस तरह के लोग होंगे। तो आज हम उसके उनके हाथ की लकीरें आपको बना के बताएँगे कि उनके हाथ की लकीरें किस तरह की होती हैं जिनकी ज़बान में बड़ा असर होता है। सबसे पहले हम ये बना रहे हैं ज़िंदगी की लकीर, और ये बार बार आपको बताने का, बना के देने का मकसद ये होता है कि आपको पामिस्ट्री की अलिफ बे जो है वो समझ आ जाए कि पामिस्ट्री की अलिफ बे क्या होती है। अगर ये दिमाग की लकीर जो यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, दिमाग की लकीर यहाँ से शुरू हो रही है, अगर ये मुश्तरी के उभार से शुरू हो, ये यूँ ये मुश्तरी के उभार से अगर ये आगाज़ कर रही है, यानी यहाँ से निकल रही है, शहादत की उंगली से निकल रही है, तो ऐसे लोग काम निकलवाने के माहिर होते हैं। कोई भी काम हो, किसी भी तरह का काम हो, ये काम निकलवा लेते हैं, अगले की फौरी ऐसी तारीफ़ कर देते हैं कि अगला इनकी तारीफ़ से मुतासर हो जाता है और फौरी वो हामी भर लेता है और काम करने लग जाता है। इसी तरह दिमाग की लकीर ज़िंदगी की लकीर से निकल रही हो, ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को गौर से देख लें, ये लकीर कहाँ से निकल रही है। अगर ऐसी किसी के हाथ में है तो ऐसे लोग काम निकालने के माहिर होते हैं, किसी से भी काम निकाल लेते हैं, किसी से भी काम ले लेते हैं। और अगर दिमाग की लकीर ज़िंदगी की लकीर से निकले तो ऐसे लोग दूसरों के काम लेने के भी माहिर होते हैं। अगर यहाँ से भी अगर ये लकीर निकल रही है ना, इसके अंदर से यहाँ से भी निकल रही है, मैं पहले ये आपको बना के बताई, एक शाख मैंने सिर्फ ये यहाँ टच नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ से भी अगर दिमाग की लकीर निकलती है ना तो ये लोग भी बड़े माहिर होते हैं और हर तरह के माहौल में अपनी जगह बना लेते हैं। अगर आपके हाथ में या आपके किसी अजीज़ के हाथ में या आपके किसी दोस्त के हाथ में इस तरह की लकीर है तो आप उसको ज़रा चेक कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से काम लेते हैं और किस तरह से काम निकाल लेते हैं। इसी तरह दिमाग की लकीर आखिर में चांद के उभार की तरफ जा रही है, दिमागी लकीर है और ये है उभार, चांद का उभार जिसको हम कमर का उभार कहते हैं, इस तरफ जा रही हो, ये देखें यहाँ से निकल के इस तरफ जा रही है, यहाँ से निकल के इस तरफ जा रही है। अगर इस तरह की लकीर भी अगर किसी के हाथ में है
तो वो भी इन सलाहियतों से माला माल है, यानी ऐसी सलाहियतें उसमें यानी गॉड गिफ्ट हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर ऐसी सलाहियतें हैं कि वो जहाँ खड़ा हो जाएगा अपना काम निकलवा लेगा। तो ऐसे लोग यानी ये समझें कि दुनिया में आप इन लोगों को देखें तो इनके हाथ में ये लकीरें आपको इस तरह की मिलेंगी। और दिमाग की लकीर अगर अतारत का रुख करे, अतारत ये है ना, ये है अतारत, अगर ये इस तरफ का रुख करे तो ये जो ना अपनी ज़बान से अपने अल्फाज से यानी दौलत भी बेहिसाब कमाते हैं, क्योंकि ये दौलत का घर है। इस उभार की तरफ अगर दिमाग की लकीर जाएगी, ये मैंने चांद के उभार की तरफ इसका थोड़ा सा ये बना के बताया था, चांद के उभार की तरफ ये जा रही है और यही लकीर टन करके अतारत की तरफ जा रही है। ऐसे लोग अपनी ज़बान से अपने अखलाक से बेहिसाब दौलत पैदा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अपने अजीज़ों के हाथ में, दोस्तों के हाथ में, रिश्तेदारों के हाथ में ये चीज़ चेक करें, अगर किसी के हाथ में हैं तो उसकी ज़िंदगी को भी चेक करें तो आपको ये मिलेगा। तो अपने किसी दोस्त के हाथ में देख लें, किसी के हाथ में देख लें, तो ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने उसकी ज़बान में बड़ा असर दिया है, जहाँ खड़ा होगा वो मैदान मार लेगा। तो सबसे पहला जो सवाल हमें भेजा है वो है जाहिद सरगोदा से, मेरी किस्मत कैसी है, दौलत कब आएगी। प्यारे दोस्त, आपके हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी दिमाग की लकीर अतारत की तरफ रुख कर रही है, आपके पास दौलत बेहिसाब आएगी, लेकिन कम से कम ये समझें कि 2 साल के बाद। मिसाल के तौर पर 2019 चल रहा है तो 2021 के आखिर में आपके पास दौलत आएगी और आप इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल किया है आबदा ने कश्मीर से, आबदा ने सवाल किया कश्मीर से, मेरी ज़िंदगी में खुशियां कब आएंगी। देखें, आपके ज़िंदगी में खुशियों की जो बात है तो आपको अल्लाह ताला ने दिमागी सलाहियतें बड़ी अच्छी दी हैं और किस्मत भी आपकी बहुत अच्छी है। रही बात खुशियों की, तो आपके नसीब में दौलत भी है, तो खुशियां आपको इंशाल्लाह ये समझ लें कि 2019 के लास्ट से जो आपके हालात बेहतर हो रहे हैं इसमें आपको खुशियां मिलेंगी, दौलत भी आएगी और सुकून की ज़िंदगी भी होगी। लेकिन कोशिश करें कि किसी मामले में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपके हाथ से इशारा मिलता है कि आप जल्दबाजी करके बना बनाया काम बिगाड़ भी लेते हैं। उसके बाद अगला सवाल किया है नज़ीर अहमद ने फैसलाबाद से, मेरे पास दौलत कब आएगी और ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। आपकी प्यारे दोस्त, गुजरी ज़िंदगी भी बादशाहों की तरह की ज़िंदगी है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने किसी के आगे झुकाया नहीं और ना ही ज़िंदगी में आप किसी के आगे झुकेंगे। इंशाअल्लाह आपके लिए ये 2019 बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी इकदाम करें, कोई भी काम करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और आने वाली ज़िंदगी आपकी अच्छी होगी। उसके बाद सवाल किया है जे आई एस ने सवाल किया है, मेरी तलाक होगी या नहीं, अगर होगी तो दूसरी शादी है मेरे हाथ में। सबसे पहली बात तो ये है कि कोशिश करें कि तलाक ना हो, और अगर होती है तो कोई बात नहीं, आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें मौजूद हैं, अगर आप करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो लकीरें ज़बरदस्ती आपकी शादी नहीं करवाएंगी। उसके बाद सवाल किया है दानिश अली ने वाकेंट से, मेरी किस्मत कैसी है। आपकी किस्मत अल्लाह के फजल से अच्छी है, लेकिन सख्त मेहनत, सख्त जदोजहद के बाद आपको कोई मुकाम मिलेगा। उसके बाद सवाल किया है इशरत फातिमा ने गुजरात से, 8 महीने हो गए हैं, औलाद कब होगी, ससुराल की तरफ से बहुत परेशान हूँ। 8 महीने हो गए हैं, औलाद कब होगी, ससुराल की तरफ से बहुत परेशान हूँ। आपके हाथ में औलादों की 2 लकीरें मौजूद हैं और दोनों लड़कियों की लकीरें हैं, लकीरें कमज़ोर हैं और दोनों लड़कियां हैं, और औलाद, अल्लाह ताला औलाद और शादी अगर देर से हो तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी होती है। देर से जो औलाद होती है उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिलता है, देर से जो शादी होती है उनकी मोहब्बत भी अरूज को जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा सवाल जवाब का सिलसिला और हमारा टॉपिक, इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।